आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत के बेटे ने गर्व महसूस हो रहा है कि बेटे ने भाई हमको गर्वित कर दिया। कई सालों के बादशाह उत्तर प्रदेश से जी जी पहली बार कोई टॉप रैंक बना है। इससे पहले ज्यादातर जम्मू कश्मीर और साउथ के बिहार के रहते थे। तो इसकी जर्नी कैसी, मतलब पढ़ाई का जर्नी? मैंने सिंस चाइल्डहुड पढ़ने में तेज तो वो था ही, शुरू से पढ़ने में अच्छा था। अच्छा। एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो था वो पढ़ाई में। तो हम लोग इसे पढ़ाई करके हम लोग भी आए थे तो लगता था कि इसकी पढ़ाई थोड़ा एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो मन में था कि इसको प्रशासनिक सेवा की तरफ ले जाना है। अच्छा। तो हमने उसी तरफ ढाला उसको। अच्छा, तो शुरू से ही आपने उसको कहीं से कुछ ट्रेनिंग वगैरह? ट्रेनिंग कुछ नहीं, पढ़ाई में अच्छा था। सी एम एस का भी काफी योगदान है, सी एम एस अलीगंज से पढ़ाई किया उसने। अच्छा। टीचर लोगों का भी काफी योगदान है, तो बेस उसका अच्छा रहा शुरू से। उसके बाद फिर यहाँ से इंटर करने के बाद आईआईटी में सिलेक्शन हो गया, आईआईटी कानपुर में। अच्छा। आईआईटी कानपुर चला गया वो बीटेक करने के लिए। हाँ जी। बाद में उसने ड्यूअल कोर्स में एमटेक में कन्वर्ट करा लिया। ठीक है। फिर वहाँ करने के बाद फिर वो जॉब में जॉब करने लगा। भाई जॉब भी कर लेते हैं, दोनों साथ साथ कर लेंगे। एम तो देखिए उसका सिविल सर्विस शुरू से था उसका। जब उसने जॉब करने लगा ठीक है जॉब भी करो, तो दोनों चीज उसे नहीं, दोनों चीज नहीं हो पा रहा था। प्राइवेट जॉब में है प्लस दोनों चीज तैयारी, तो ये मान रही है टाइम कर ले। तो फिर जब उसने 21 का फ्री देने लगा वो 21 में, तो उसने कहा कि पापा जी वो समझ नहीं पा रहा हमसे, तो लगता है रिजाइन करना पड़ेगा। हालांकि फोकस तो हमारा वही है, हम भी कहे भाई वो समय चला जाएगा फिर लौट के तो आएगा नहीं है समय, तो देख लो रिजाइन कर लो। तो एक महीने करीब बचा था समय प्री का, 21 का प्री, तो उसने रिजाइन कर दिया। रिजाइन करके आया लेकिन वो प्री में सक्सेस नहीं हुआ उसमें। उस समय 87 कट ऑफ गए थे, उसके 84 आए थे प्री। तो हम लोग के लिए बहुत मासूम था, समय बहुत खराब था, वो दो तीन दिन हम लोग प्री में नहीं हुआ था। फिर नेक्स्ट टाइम हमने उसका साइन किया उसको, नेक्स्ट टाइम फिर IPS हो गया। अच्छा, बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है, बहुत ज़्यादा भगवान की कृपा, उसकी मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद से आज हम लोग को ये दिन देखने को मिला। बहुत ज़्यादा उसकी मेहनत रही और इसी कारण से आज ये सफलता मिली है। उसके पापा का भी बहुत ज़्यादा उस पर IAS बनने के लिए बहुत ज़्यादा लगाव, मतलब मेहनत करते रहे। बस पढ़ाई, मतलब काम कुछ नहीं करवाते थे, बस पढ़ाई करो और टाइम से अपना खाना नाश्ता खाओ, यही। उसकी एक छोटी बहन है जो दिल्ली में पढ़ रही है, DU से ग्रेजुएशन कर रही है। मैं हाउसवाइफ हूँ, कैग में है, AA है कैग में। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा बधाइयाँ आ रही हैं जी। हाँ, सबको बहुत खुशी है, पूरे परिवार में, दोस्तों में, सब में, सब लोग खुश हैं। सब ने, मतलब आदित्य का ना सबसे अच्छा था, मतलब रिश्ता सबसे अच्छा है, दोस्तों से भी उसका बहुत ज़्यादा है। वो बहुत ज़्यादा मतलब एक दूसरे से मिल के रहने वाला लड़का है। ये उम्मीद नहीं थी, ये तो किसी को नहीं रहता है ना, ये तो बहुत टफ एग्ज़ाम है। बस ये सोचते थे कि IAS में हो जाएगा इस बार। नहीं, कोचिंग नहीं, सेल्फ स्टडी, सेल्फ सिटी मॉन्टेसरी स्कूल से उसने मॉन्ट से पढ़ाई की है 12th तक, और उसके बाद IIT कानपुर वहाँ पढ़ा, फिर गोल्डमैन सैक्स में 1.5 साल नौकरी किया, उसके बाद BTech MTech IIT कानपुर से। आज तो बहुत खुशी का दिन भी है और आज खुशी का समाचार भी मिल गया कि हमारा पोता जो है IAS में टॉप किया है, पूरा इंडिया में टॉप किया है। और इसकी इच्छा भी थी, अभी तो IPS की ट्रेनिंग चल रही है, इसकी 5 महीना की ट्रेनिंग कर रहा है, और हम इसकी इच्छा थी कि हम IAS बने, और इसके पिताजी के भी तो ज़्यादा इच्छा थी, पिताजी के भी जिद थी कि तुम IAS बन के हमको दिखाओ, और वो बन कर के अपने पिताजी को दिखाया है, मान सम्मान किया है। आपसे बात हुई है, जब परिणाम आया है? नहीं, हमसे बात नहीं हुई। कैसा उत्साह है घर में, परिवारजनों में, रिश्तेदारों में? बहुत ज़्यादा खुशी है, बहुत ज़्यादा खुशी है। सबका मैसेज आ गया और वैसे लड़का बुला लिया हमको कि चले आइए, तुम चले आए अभी।
तैयारी कैसी थी? तैयारी तो बहुत अच्छी थी, शुरू से उत्तेज लड़का था, शुरू से। टेंथ में भी, नाइन्थ में तो खैर फर्स्ट आता था, टेंथ में देखिए टॉप किया, इलेवेंथ में, ट्वेल्थ में टॉप किया सीमेंस में, हैं, और उसके बाद फिर इसका आईआईटी का परीक्षा दिया, उसमें इसका हो गया, वहाँ से एमटेक किया इलेक्ट्रिकल से। हाँ, आपसे क्या बात होती थी, आपसे क्या कहते थे तैयारी को लेकर? तैयारी तो कह रहा कि दादाजी हमको कुछ आते हैं तो थक जाते हैं। आईपीएस की जब ट्रेनिंग कर रहा था तो कहता था कि दादाजी, तो हम बोल रहे थे कि बेटा तैयारी कर रहे हो, कह इसकी दादाजी क्या बताएं, हम आते हैं तो बहुत थक जाते हैं, सुबह 5 बजे हमको उठ के जाना पड़ता है और रात को शाम में आते हैं और बहुत मेहनत करवाता है तो बहुत थक जाते हैं, तो हमारा कुछ उतना विशेष नहीं हो रहा है, मगर निकाल लिया। पढ़ाई के अलावा क्या क्या उन्हें पसंद था? पसंद था उसको खेलने में क्रिकेट पसंद था, क्रिकेट खेलता था वो। जब से पढ़ाई चालू किया है, आईएएस की तैयारी किया है, तब से सब सुहाग खत्म कर दिया, तब से कुछ नहीं करता था, खेलता उलता नहीं था, खाली पढ़ना। क्या आपने कभी बचपन में इस चीज को लेकर डांटा हो या समझाया हो उन्हें? डांटे तो नहीं है, हम अपने बेटे को नहीं डांटे हैं, तो इसको क्या डांटेंगे, हम अपने बेटे को नहीं डांटे कभी, न कभी मारा हमने, अपने बेटे को भी एक झापड़ तक नहीं मारा हमने। वो प्रेरणा लिया है अपने पिताजी से, ज्यादातर प्रेरणा ज्यादा पिताजी से लिया है। अब पिताजी अगर उसके थोड़ा सा हार्ड नहीं होते तो ये नहीं पढ़ पाता। ये क्रिकेट का शौकीन था, निकल जाता था, आते तो डांट देते थे। अभी भी अगर नाश्ता कर रहा है और नाश्ता कर लिया वो और 5 मिनट बैठ करके ऐसे टीवी देख रहा, बस तुरंत इसके पिताजी बोल देते हैं कि जाओ हो गया ना तुम्हारा नाश्ता, चलो, तो चला जाता था पढ़ने। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।